Hello and assalamu alaikum, my YouTube family. Making two special type of toppings for the pizza. और आज आपको सिखाते हैं दो नई किस्म की toppings. इसके लिए आपको जी एक fork चाहिए जिससे आप छोटे छोटे सुराख करेंगे. And that is to allow the spices to penetrate. अच्छा जी, ये इसलिए करने हैं ताकि नमक और मिर्च अच्छे से अंदर चला जाए इन थिन जो लैम या बीफ के स्लाइसेस हैं उनमें. थोड़ा सा कूट लें स्लाइसेस को ताकि वो और भी पतले हो जाएं और इजीली कुक हो जाएं. जस्ट थिनिंग आउट द मीट स्लाइसेस अ लिटिल. जस्ट मैरिनेटिंग इट विद हिमालयन पिंक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. अब जी काली मिर्च और नमक के साथ ही जो पिंक सॉल्ट है हिमालयन, इससे मैरिनेट कर दें. अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपने एक पैन या कढ़ाई में लेना है वेजिटेबल ऑयल. उसमें इन मीट स्लाइसेस को तलना है 5 से 7 मिनट, जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए. So that's how it looks after 5 to 7 minutes of cooking. So we are trying to make one pizza topping with lamb. और अब ये जो दूसरी हम बना रहे हैं ये चिकन है, तो इसके लिए हमें चाहिए जी चिकन बोनलेस, ट्यूमरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, योगर्ट और मिक्स हर्ब्स. आप कोई भी डाल सकते हैं. ये हमने बेजल और जो है ना मिक्स हर्ब्स रखे हुए हैं, वैसे ओरिगैनो या कुछ भी डाल सकते हैं. एंड पिंक सॉल्ट. और ये जी अब हम जो है चिकन को बनाना शुरू करने लगे हैं. तो अ बिट ऑफ ऑयल, आई हैव टेकन वेजिटेबल ऑयल. और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 3 टीस्पून्स. तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में डालें और साथ ही डाल दें चिकन बोनलेस. A teaspoon of salt. नमक पाव तो हिलाओ 1 टीस्पून हमने डाला और अब लेमन जूस डाल रहे हैं. सो रेड चिली पाउडर. अब ये आपने जितना आपको पसंद है उतना डालें. तो अब जी बारी है हल्दी की. हल्दी हम बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, 1/2 टीस्पून. और जो है ना जाएगा जी क्यूमिन सीड्स पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून हमने डाला है. बस इसके बाद इसको स्टर कर लें. और अब लगभग जो है ना 3 टीस्पून, क्योंकि 3 टीस्पून इसमें जाएगी जी योगर्ट. हम मिक्स कर लें इसको. अब इसमें डाल दें मिक्स हर्ब्स. अच्छा जी, अब हम ये पिज्ज़े की टॉपिंग तैयार कर रहे हैं. सो ये टॉपिंग नंबर 1 है, ये लैम जो हमने फ्राई किया था उसको लॉन्ग थिन स्लाइसेस में काट लेना है. और ये जो बाकी आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं जिसमें ब्लैक ऑलिव्स हैं, हेलोपिनो पेपर्स हैं, स्वीट कॉर्नस हैं, बेल पेपर्स हैं, स्पिनच है और चीज़ है, ये सब हमारी टॉपिंग में जाएंगी. इसी तरह थिन और लंबे स्लाइसेस में स्पिनच को भी काट लें. इसी तरह रेड पेपर को भी काट लें छोटे छोटे पीसेस में. चेक करें जी क्या खूबसूरत लुक और टॉपिंग तैयार हो रही है. जी अब इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स डाल दें.
उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अच्छा, वी एडेड अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल टू दिस टॉपिंग मिक्सचर। जो कोने में छुपा हुआ ऑलिव ऑयल नज़र आ रहा है, ये ब्रश से बेस के ऊपर लगाने के लिए है। और अब जो है ना, और हम अब क्या डालेंगे, होममेड पिज़्ज़ा सॉस, जो मैंने अपनी एक और वीडियो में पहले ही मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। और अब ये आपको फाइनल लुक दिखाते हैं अपनी इस टॉपिंग की। अच्छा जी, इस डो को कैसे बनाते हैं ये मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं शॉर्टली बनाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन जो जिस तरह भी अभी इसको प्रिपेयर करना है पिज़्ज़ा ट्रे को, वो मैं भी लिंक शेयर करूँगी, जो मेरी एक और वीडियो है 3-in-1 वाली रेसिपी, उसमें जो मैंने ये इसको बताया हुआ है कि इसको कैसे, पहले आपने ऑयल करना है पिज़्ज़ा ट्रे को, फिर उसके बाद आपने इसको डो से को शेप देनी है राउंड, और उसके बाद ऊपर ज़रूर जो है ना दोबारा ऑलिव ऑयल की एक फाइन सी लेयर लगानी है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल कर दें। अच्छा, पहला पिज़्ज़ा ही हम अब बना रहे हैं जिसके ऊपर लैम की जो है ना टॉपिंग होगी। जो हमने बॉल में टॉपिंग बनाई थी वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें जी। अब इसके बाद हम चेडर चीज़ ऊपर डाल रहे हैं, और अगेन इन द एंड जो है ना, ये जो पीसेस छोटे छोटे हमने रखे हैं, ये जो है ना मोज़रेला मोज़रेला जो है चीज़ उसके हैं। सो इन द एंड सब बेजल ऑन द टॉप। सो इसको बस स्प्रिंकल कर दें हम रेड चिली फ्लेक्स टू गिव इट अ बिट ऑफ फ्लेवर। अब बिल्कुल उसी तरह हम अब चिकन बोनलेस पिज़्ज़ा बनाएंगे। अब जी बोनलेस चिकन ऐड कर दें। और स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दें। जी लास्ट लेयर ऑफ चीज, फिर अगेन उसके ऊपर मिक्स हर्ब्स या बेजल, और फिर अगेन इट गोज इन द ओवन 230 डिग्री सेल्सियस फॉर 15-20 मिनट्स, और योर पिज्जा इज रेडी टू बी सर्व्ड। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो कि हाउ यू फाउंड दिस रेसिपी। अगर आप कोई स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।